ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। रोजाना देश के दूर दराज हिस्सों से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, रियासतकालीन परिवारों से जुड़े लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में खिलचीपुर रियासत के राजा और कांग्रेस नेता प्रियव्रत सिंह खींची ग्वालियर के जयविलास पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी संवेदना व्यक्त की। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद पूरा सिंधिया परिवार शोक में डूबा हुआ है, जहां ग्वालियर के जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। अब उसी कड़ी में खिलचीपुर रियासत के राजा प्रियव्रत सिंह खींची भी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वो भी उसका अवसर भगवान को अर्पण कर दे, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए इसके विषय में। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, वो मेरी जब अर्पण कर देता है तो मैं उसको उस समय सुलभ हो जाता हूँ। क्या चाहिए बात करेंगे? तो ये जो भी हम कर्म करते हैं, वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियव्रत सिंह ने कहा कि खिलचीपुर और ग्वालियर रियासत के संबंध काफी पुराने हैं। उन्होंने कहा कि महल में पहुंचकर राजमाता के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और ग्वालियर रियासत के युवराज महान आर्यमन से भी मुलाकात हुई है। प्रियव्रत जी, आप आए हैं किस तरह से श्रद्धांजलि दी, और एक बहुत अच्छे संबंध रहे हैं रियासतों में उस दौरान से ही, किस तरह का है आपका स्मरण? हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता ग्वालियर राजवंश से रहा है, महाराज जिवाजी राव के समय से, उसके पहले से भी। और जब भी हमारे परिवारों में कोई भी ऐसा प्रसंग होता है, कोई गमी होती है, कोई दुख का प्रसंग होता है या कोई शादी ब्याह का भी प्रसंग होता है, तो आपसी पारिवारिक रूप से हम लोग एक दूसरे के परिवार में सम्मिलित होते आए हैं। मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था, तब भी लेट महाराज माधवराव जी खिलचीपुर पधारे थे। मेरे बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ, तब ज्योतिरादित्य जी महाराज भी खिलचीपुर पधारे थे और उनने परिवार को ढांचा बांधा था। और आज राजमाता साहब माधवी राजे जी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना करी ईश्वर से कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। और इस दुख की घड़ी में सिंधिया परिवार के साथ हम सभी लोग जो हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। बता दें कि राजमाता के निधन के बाद ग्वालियर के जयविलास पैलेस में वीआईपी लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां राजनीतिक पार्टियों के अलावा अनेक समाजसेवी लोगों राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।